अम्मी बस रास्ते में ही हैं, 5 मिनट में पहुंचे। ओके। उर्मिला मात्रे, आप हमारा फोन नहीं उठा रही हैं? वो मेरे को थोड़ा काम है जरा, इसके लिए मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। एक मिनट। कितने आश्चर्य की बात है ना, मुंबई की वड़ा पाव बेचने वाली एक साधारण लड़की यहाँ लखनऊ में SHO बनकर केस सॉल्व कर रही, वो भी इतनी निपुणता और दक्षता के साथ। चलिए। कहाँ? आप अपना वादा भूल गई? हसीना जी की अम्मी को हसीना जी की मौत का सच बताना है। चलिए अपना वादा पूरा कीजिए और उन्हें अपनी असलियत भी बताइए। चलिए। अभी मेरे को थोड़ा काम है, बाद में। अभी इसी वक्त आप चलेंगी और उन्हें सच्चाई बताएंगी? अरे सोड़ की, अरे काय कर तू? बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। आपका झूठ इतना बेजान और कमजोर हो चुका है कि अब सच का बोझ उठाने की बिल्कुल शक्ति नहीं है उसमें हसीना मलिक। देख तू, बस आपका ये झूठ वैसे भी अपनी मौत खुद मरने वाला है, इसलिए मेहरबानी कीजिए और आपका हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। उठाकर फेंक दीजिए झूठ का ये नकाब और स्वीकार कीजिए कि आप ही हसीना मलिक हैं, क्योंकि सच हम जानते हैं, साजन को फूलों के साथ हमने ही भेजा था। और एक माँ का अपनी बेटी के लिए एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। माँ का अपनी औलाद से रिश्ता एहसास का होता है, जो सिर्फ महसूस करके भी पहचान लेती है। बस सच हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बताइए कि आप ही हसीना मलिक हैं। बताइए कि आप ही हसीना मलिक हैं। बताइए। हाँ, हम हैं हसीना मलिक। मैं हसीना मलिक। हम जिंदा है, हम हसीना मलिक की है। शांत हो जाइए। अब विस्तार से बताइए हुआ क्या। ओके। हमारी जीप के सामने अचानक से एक शख्स आ गया, उसने हमारी गाड़ी में एक हार्ड डिस्क छुपा दी। उस हार्ड डिस्क में हमारे देश के सभी सीक्रेट एजेंट्स के डिटेल्स थे। उस दिन जब हम आपसे फोन पर बात करके निकले तो मीरा ने हम पर गोली चला दी और हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। हम मौत के आने का इंतजार कर ही रहे थे, बख्शी सर आ गए और उन्होंने हमारी जान बचा ली। अब हमारा फोकस उस शख्स को ढूंढने में होना चाहिए जिसने मीरा को हैक किया। आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया। और फिर हम हसीना मलिक से बन गए उर्मिला महादेव भात्रे। हसीना मलिक जी, अभी दोनों आपका एड्रेस लेके निकली है। अगर तुम हमारे साथ लखनऊ आती हो तो हम तुम्हें दिन के रोज 2000 रुपए देंगे। तो फिर वो हार्ड डिस्क कहाँ है? आपने उसे नष्ट कर दिया ना? नहीं, उस हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा था हमने उसे एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया था। और वो पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव हमारे लॉकेट में। और वो लॉकेट कहाँ है? साजन के पास चला गया अनजाने में। आप जानती हैं उसमें क्या है? उसमें हमारे देश के गुप्तचरों की विस्तृत जानकारी है। अगर वो गलती से भी किसी गलत हाथों में चली गई तो उसका परिणाम जानती हैं आप? ऐसी तबाही जिसे हमारा देश कभी नहीं भूल पाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा हसीना जी। आप इतनी महत्वपूर्ण चीज किसी के हाथ में कैसे दे सकती है? अनुभव, हम जानते हैं गलती हो गई, लेकिन साजन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और हम उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप अभी साजन को कॉल कीजिए, यहाँ बुलाइए और तुरंत वो लॉकेट वापस लीजिए प्लीज।
माफ कीजिए लेकिन हम ये पेन ड्राइव सिर्फ और सिर्फ बख्शी सर को ही दे सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी अनुभव जिसे हम हर कीमत पर निभाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, वो पेन ड्राइव बख्शी सर को ही दीजिए। हम कल सुबह आपको बख्शी सर के ऑफिस में मिलते हैं। बख्शी सर को वो पेन ड्राइव सौंपने के बाद आगे जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो हमारी आमी संभालेगी। अनुभव, ये पेन ड्राइव हम बख्शी सर को भी तभी देंगे जब असली देशद्रोही पकड़ा जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि ये कौन है, ये देशद्रोही जिसने इतना बड़ा खेल रचा, जिसने हमें मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम बेघर हो गए, हम पता नहीं कब से एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। वो शख्स जिसकी वजह से हमने अपनी ही आंखों के सामने अपनी मौत पर अपने सबसे करीबी लोगों को इतना तड़पते हुए देखा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, हम नहीं बता पा रहे थे कि हम ही हैं हसीना मलिक। और अब और नहीं, हमें जानना है कि ये शख्स कौन है। हम इससे हर एक दर्द का हिसाब लेंगे और उसे उसके किए की सजा दे कर रहेंगे, वो भी अपने हाथों से। हमें पूरा विश्वास है कि वो दिन जल्द ही आएगा, और आशा करते हैं हसीना जी कि आपने हमें क्षमा कर दिया होगा। दोष कश्ती का नहीं अनुभव, तूफान का है। जब भी आया है कमबख्त, बे आवाज ही आया है। चलते हैं। सिंह जी। जी। लॉकेट, दोनों जगह लॉकेट, चक्कर का है। आखिर साजन की फोटो का क्या मतलब है इस लॉकेट के साथ? लेना देना क्या है साजन का इन सब से? तो फोन जा रहा था, बॉफ है। क्या गोभी के पकोड़े, खुशबू निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और खुशबू सूंघकर भीड़ भी तो आएगी है? और भीड़ आएगी तो पकोड़े भी खाएगी। और क्या माँ पकोड़े अपने बच्चों को अपने हाथों से नहीं खिलाएगी? नहीं खिलाएगी, क्योंकि आज हम पकोड़े सिर्फ हमारे लिए लेकर आए हैं। वो जो तुम्हारी लाडली है ना, हमारी चुड़ैल बहुरानी, वो लाई है भर भर के पकोड़े। जा उसके डब्बे से जा। वो नहीं देगी। हाँ तो खिला देंगे हम पकोड़े, हमारा आपकी तरह छोटा दिल नहीं है, हम खिला के खाने में विश्वास रखते हैं। आइए सबको खिलाते हैं गर्मा गर्म करारे करारे पकौड़े। आइए खोलिए खोलिए डब्बा खोलिए। हम गलती से ना वो खाली वाला टिफिन उठा लाए, इधर से भी गए उधर से भी गए। ऐसे कैसे गए? लाइए पुष्पा जी के टिफिन से खिलाते हैं गर्मा गर्म करारे करारे पकौड़े। खबरदार खबरदार, कोई एक कदम भी आगे बढ़ाए किसी ने तो। हाँ चेता रहे सबको, देख रही हैं। क्या खबरदार, हमने बनाए हैं भैया पकौड़े, लदी। अरे कहाँ आपने बनाए, हमने बनवाए हैं, वो भी लल्ला की कसम देकर। आज तो हम आपके टिफिन से ही खाएंगे पकौड़े। चलो पकौड़े खाते हैं। छुआ बिना पकौड़ा तो खोलते वो तेल में डाल के तल देंगे तुमको बाबू। खाओ। सुनिए, कोई कंप्लेंट लिखाने आया है। जी कहिए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी?
जाने दीजिए। क्या? ठीक है। हम एक दो पकौड़े बांट के खा लेंगी तो कौन सा सल्तनत बिगड़ जाएगा? पुष्पा मैडम मेरी बात, हम सब खाएंगे, हम सब खाएंगे, हम खाएंगे पकौड़े, हम खाएंगे, बांट के खाएंगे। देखो फिर से कोई आ गया जी। भाई साहब आपको क्या दिक्कत हो गया? हाँ कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम उसका हल निकालेंगे। रहने दीजिए, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। आप थाने में आए हैं, थाना बना ही इसलिए कि आम आदमी का हम मदद कर सके। हम यहाँ बैठे ही आप लोगों की मदद करने के लिए हैं। सर जी सुनिए, हमारा बात सुनिए। सर जी जब तक आप हम लोग को अपने दिक्कत के बारे में बताएंगे नहीं, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश भी कैसे करेंगे? आप एकदम इत्मीनान में रहिए, घबराइए मत। आइए सर बैठिए बैठिए। मैडम मेरा नाम सागर पांडे है, पिछले 30 साल से FF के बैंक में काम कर रहा हूँ। हमारे बैंक के अकाउंट से 20 लाख रुपए गायब हो गए। आपको क्या लग रहा है कहाँ गए होंगे आपके 20 लाख पकौड़े? रुपए? हाँ हाँ रुपए, हम वो ऐसे आ रहे थे। आएंगी ना ऐसे, तो ठूस ठूस के पकौड़े खाएंगी तो पकौड़ा ही फूटेगा ना हर जगह से। या तो खा लीजिए या बतिया लीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए। सर जी आप एकदम बेफिक्र होके बताइए कि कौन निकाला, कौन गायब किया आपका पैसा? यहाँ पर पकड़ के लाएंगे, उसको इतना मारेंगे, 20 लात मारेंगे, सारा पैसा आपको वापस करेगा। कौन है चोरू? मैं। लॉकेट कहाँ है? कौन सा लॉकेट? अरे यार बस करना यार, कितना मर गया यार। देख बहू, देख तुम बहुत गलती कर रहे हो। अरे यार वो 250-300 से ज्यादा कीमत नहीं होगी उसकी? क्या तू भी क्या चिंदी आइटम है यार? अरे यार ये रुकता ही नहीं यार। लॉकेट कहाँ है? देख देख बहू, वो लॉकेट मेरे उर्मी का है, अपन नहीं देगा तेरे को, कसम से। तेरे को जो करने ना तू कर, अपन नहीं देगा। बहुत ज्यादा तो नहीं बचा है, पर जितना भी सांस बचा है ना तुम्हारा ले लो अपनी जिंदगी का, क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, और यहाँ तक पहुंच गए तो तुम्हारे पास भी बहुत जल्दी पहुंचेंगे। ध्यान रखना हमारी बात को। हार्ड डिस्क को हासिल करना है, हसीना मलिक को जान से मारना है। हालात तेजी से खराब हो रहे हैं, हसीना मलिक को खत्म कर दो। हो जाएगा कैप्टन। हम अपनी असली पहचान जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसी तरह अपनी आवाज बदल कर साजन से बात करते रहना होगा। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तूने नहीं बताया कि लॉकेट कहाँ है तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक, दो। ये देखिए मेरा आईडी कार्ड। हाँ सेम ही। मैं पिछले 30 वर्षों से बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बैंक में काम कर रहा हूँ। इन 30 वर्षों में आज तक 1 रुपये की भी कोई लापरवाही या गैर जिम्मेदारी नहीं हुई मुझसे, पर 2 दिन पहले जो हुआ उसने मेरे 30 साल की बेदाग सर्विस पर ग्रहण लगा दिया। क्या हुआ 2 दिन पहले? मुझसे गलती से इंटरनल ट्रांजेक्शन करते वक्त बैंक के पैसे एक कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। वो 20 लाख? हाँ। Oh my God, मैंने आपके बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया? बेटे बेटे 5-6 लाख ऐसे ही मिल जाते मुझे, अभी खुलवाऊं। मिले माँ तो फिर आगे? जैसे ये बात मेरी नॉलेज में आई मैंने उस कस्टमर को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने जब उसके अकाउंट डिटेल्स चेक किए तो मेरे होश उड़ गए। उस अकाउंट होल्डर ने पैसे ट्रांसफर होने के 24 घंटे के अंदर ही अलग अलग ब्रांच से सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। मैं उस अकाउंट होल्डर के घर पहुंचा, उसे सारी बात समझाकर अपनी गलती की माफी मांगी और गलती से ट्रांसफर हुए पैसे वापस देने को कहा। तो क्या बोला? वो साफ मुकर गए, बोला उसके पास अब कोई पैसे नहीं है, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि
मैं क्या करूं? अपने बैंक को ये बात बता नहीं सकता। लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के इल्जाम में मेरी नौकरी चली जाएगी और पुलिस में कंप्लेंट की तो बैंक को पता चल जाएगा। मेरी 30 साल की नौकरी पर गैर जिम्मेदारी का दाग लग जाएगा और ये दाग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई यार, तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन इससे पहले कि मेरे बैंक को पता चले मुझे पैसे दिलवा दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। नहीं, 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 भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ पैर मत जोड़िए। देखिए, आपसे गलत तो हुआ है ये बात 16 आने से, लेकिन उस इंसान जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो भी सही नहीं कर रहा है। आप ऐसे किसी के पैसे पे, किसी की मेहनत की जमा पूंजी पर ऐसा कुंडली मार के नहीं बैठ सकते भैया। ये गलत है, वो गलत कर रहा है, इसलिए हम आपका मदद करेंगे। मैडम जी, लेकिन मेरा ये बात है कि हम लोग कैसे इनका मदद कर पाएंगे? ना किसी लीगल कंप्लेन की, हम लोग क्या कर पाएंगे मैडम? अब हम एक तकनीकी अड़चन की वजह से इनका मदद ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। ऑफिशियली नहीं कर पाएंगे तो अनऑफिशियली करेंगे, लेकिन इनका पैसा इनको वापस जरूर दिलवाएंगे। नाम क्या है उस अकाउंट होल्डर का? गोपाल दास। महादेव शिव शंभो भोलेनाथ, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। हाँ जी, आपका पूजा पाठ हो गया? हाँ, अभी के लिए तो हो गया, अब संध्या पूजन बाकी है। जी, संध्या पूजा से पहले जो हम बात आपसे करने आए हैं वो कर ले। अरे प्रिय, अरे भाई जरा कुर्सी वर्सी ला कर दो, बैठ के विस्तार से बात करते हैं। हाँ। नमस्ते। आपका बैंक है FFK बैंक, प्रेम नगर ब्रांच। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आपका ही बैंक है, ध्यान से देखिएगा। जी, तो मेरा ही है। तो आपके इसी अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, तो आपको पता ही होगा ना? हाँ हाँ, इतनी बड़ी रकम का मामला है तो पता कैसे नहीं होगा। 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में? हाँ दीदी। उठिए। हाँ प्राण प्रिय, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? सब प्रभु की लीला है, वो जो ना दे वो थोड़ा है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? अब इसमें बताने वाली कौन सी और इसमें बताने नहीं वाली बात कौन सी है? अम्मा देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं, और वो आए हैं गलती से, और जिसके आए हैं वो उसी बैंक में काम करते हैं और काफी सीनियर मुलाजिम है, तो ये गलती हुआ है। कैसी बात कर रही मैडम, ये बताइए, मैंने तो कोई चोरी अपराध नहीं किया, कोई ठगा किसी से बेईमानी नहीं की, ये पैसे मेरे अकाउंट में अपने आप आए, और जो अपने आप आता है वो सिर्फ भगवान का आशीर्वाद होता है। तुम्हारी हम बात करते हैं, हम बात। देखिए भाई साहब, क्या है ना, ये बहुत गलत बात है, वो पैसे आपके नहीं है, वो किसी और के पैसे हैं, और उन पैसों को आप अपने पास ऐसे नहीं रख सकते। एक अच्छे नागरिक का धर्म निभाइए, वो पैसे बैंक को वापस लौटा दीजिए। लेकिन मैडम, जो चीज मेरे पास है नहीं वो मैं कैसे लौटा सकता हूँ? उठिए। हाँ प्रिय। क्या मतलब है नहीं है पैसे? कहाँ गए इतने सारे पैसे? शांत प्रिय, शांत। भगवान का धन था, सब भगवान के कार्य में लगा दिए, सारा का सारा धन दान दे दिया। हे भगवान, 20 लाख रुपए कौन दान में देता है? देखो, लालच बहुत बुरी बला है, कभी भी पराया धन अपने पास नहीं रखना चाहिए था, जहाँ का धन था वहाँ चला गया। अम्मा बस बहुत हो गया आपका प्रपंच, ठीक है, समझ रहे आप हमारी बात को? आपको क्या लग रहा है, आपके लालच पे जो है वो भक्ति का स्टिकर चिपका देंगे और हमको मक्कारी का लॉलीपॉप खिला देंगे? हाँ, और हम खा भी लेंगे, ये जो आपके जैसे जो मक्कार लोग हैं ना, रोज देखते हैं हम, हमारा धंधा ही यही है, समझ गए? तो ऐसा पैसे आप लौटा दीजिए। मैंने बोला ना, सारे पैसे मैंने दान में दे दिए, अब ये कंगाल आदमी कहाँ से पैसे देगा? और निकम्मे भी। प्राण प्रिय, आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या है ना, ये ना पूरी तैयारी करके बैठा है, उसको पता है कि पुलिस तो आएगी, क्या जवाब देना है। फिलहाल अभी उसका हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम चले जाते हैं थाना, जाके सोचते हैं आगे क्या करना है। अरे हमारी बात मानिए, चलिए शांत। हाँ ठीक है, चलिए। देखिए भाई साहब, फिलहाल तो हम निकल रहे हैं, मगर दोबारा जरूर आएंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। एक अभी बताइए, इतने सारे पैसे अपने क्या किए इतने सारे पैसों के साथ? अरे भगवान, हाथ में आए लक्ष्मी को ऐसे कौन टुकराता है? अरे प्राण प्रिय, बिल्कुल निर्बुद्धि हो तुम। तुमने क्या मुझे इतना बड़ा पागल समझ रखा है कि आई हुई लक्ष्मी को मैं ऐसे ही जाने दूंगा? अरे तो मैं इन पुलिस वालियों से बचने के लिए स्वांग रच रहा था, अपना पैसा एकदम सुरक्षित है और अच्छे से अपनी हिफाजत में। हाँ सीना जी, बोलिए।
बाय एनी चांस साजन आपके साथ है क्या? मेरे साथ? नहीं, मेरे साथ क्यों होगा? नहीं, दरअसल हमें कहीं से पता चला कि आप दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है. आप साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ड्रिंक्स विंग्स भी लेने लगे हैं साथ में, तो इसलिए बस हमें लगा कि शायद. एक्चुअली दरअसल बात यह है कि साजन बेकार में ही सबके बीच फंस गया है. वो बहुत इनोसेंट है, उसे उसका इस सबसे कुछ भी लेना देना नहीं, और उसके लिए हम अब भी उर्मिला महादेव मात्रे ही हैं. हमें बस डर है कि हमारे इस प्रपंच के चक्कर में उसे कहीं कुछ हो ना जाए. आप खामखा चिंता कर रही हैं हसीना जी, ऐसा कुछ नहीं है. वो बच्चा थोड़ी है जो घूम जाएगा, खो जाएगा या कोई उसे दबोच कर चला जाएगा. कहीं गया होगा घूमने, आ जाएगा वापस. आप इस विषय पर इतना परेशान मत होइए. अच्छा सुनिए ना, अभी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है. हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक. हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है. एक मिनट में हजार हजार फोन करने वाला साजन पिछले इतने घंटों से बिना किसी कांटेक्ट के गायब है. ये नॉर्मल तो नहीं है. हमें साजन के घर जाकर पता लगाना होगा.